हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड बाय मर्सिडीज बेंज. दिस इज़ द न्यू जनरेशन टेलीमेटिक्स 7th ग्रेड मर्सिडीज बेंज यूज़र एक्सपीरियंस 12.8 इंच ओएलईडी डिस्प्ले. ये अभी तक के जितने भी इंफोटेनमेंट सिस्टम्स आते हैं उन सबसे ज़्यादा बड़ी है. पहले से भी ये 64% लार्जर है और बहुत ज़्यादा ब्राइट और क्लियर है. आज हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, आप इसके अंदर से क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं कार के अंदर, चाहे वो नेविगेशन हो या कोई सेटिंग्स हो, सीट मसाजर्स हो या फिर कोई कनेक्टिविटी सेटिंग हो. आपको भी अगर कुछ पता करना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो. तो मैं इसके अंदर अभी स्टार्ट करने वाला हूँ कि क्या क्या कंट्रोल्स इसके अंदर हम ऑपरेट करेंगे और कैसे करेंगे. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये लेटेस्ट एस क्लास लॉन्च हुई है, जिसको हम बोलते हैं एस क्लास लॉन्च एडिशन. डेट इज़ टोटली अ CBU मॉडल. ये पूरी बाहर से ही मैन्युफैक्चर होकर आती है, जिसके अंदर हमें ये स्क्रीन मिलती है. तो इस स्क्रीन के अंदर हम जैसे देख रहे हैं, ऊपर हमें सर्च ऑप्शन मिलता है, पीछे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है कि हमें पीछे की अगर सिस्टम ऑन करना हो, ऑफ़ करना हो, हमारी जो प्रोफाइल है हम उसको सेट कर सकते हैं. और इसके अलावा बीच में सेंटर में होम बटन है. ऊपर यहाँ टाइम आता है, कनेक्टिविटी सेटिंग आती है, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल का डिस्प्ले आता है, सर्च आता है, और नीचे ये सारे कंट्रोल्स हैं. छोटा डिस्प्ले है उनका, और उसके नीचे AC कंट्रोल्स दिए हुए हैं, लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी, जो आगे फ्रंट टू साइड पे हम एडजस्ट करेंगे. AC के साथ में एक्टिव एम्बियंट लाइट आती है कंट्रोल के साथ में. जैसे ही आप कंट्रोल को प्लस करते हो, AC को टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये रेड कलर की लाइट शो करता है. अगर मैं टेम्परेचर को डाउन करता हूँ तो ये ब्लू कलर की लाइट शो करता है. इसके बाद मैं कार को स्टार्ट करके रिवर्स गियर एंगेज करके देखता हूँ, तो इसके अंदर आपको 360 डिग्री व्यू और रियर व्यू कैमरा ओपन मिलता है, जिसको आप 3D व्यू के अंदर भी देख सकते हो. कार की सारी जो सराउंडिंग्स हैं, आप उसके अंदर कार को रोटेट करके टच पैनल के थ्रू लेफ्ट साइड, राइट साइड और पूरा जो साइड्स हैं कार की, आप वो भी चेक कर सकते हो. सेंटर में कार ग्राफिकल डिस्प्ले के साथ आती है, और जो 360 डिग्री कैमरा है वो इसका ऐसा इमेज दिखाते हैं आपको कि आप सारा सराउंड गाड़ी का चेक कर सकते हो इसी के अंदर. चारों साइड के सेंसर्स ब्लू कलर की ग्राफिकल डिस्प्ले में है, और रियर गियर एंगेज है तो स्टीयरिंग का एंगल भी दिखा रहा है. इसमें बर्ड व्यू हमें ऊपर से भी मिल जाता है पूरा, और अगर मैं फ्रंट कैमरा अलग से देखना चाहूँ या रियर कैमरा ओपन करना चाहूँ तो हम उसको भी बटन दबा के चेक कर सकते हैं. फ्रंट डिफॉगर का भी कंट्रोल यहीं पर है, इंटरनल एयर सर्कुलेशन का भी दिया हुआ है और रियर डिफॉगर का भी है. AC ऑटो मोड पे रख सकते हैं, क्लाइमेट का मेन्यू है और ऑटोमेटिक AC का कंट्रोल है. नीचे डायनामिक सेलेक्ट है, जो पहले एक छोटा लीवर आया करता था, यहाँ से हम गाड़ी के मोड्स चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमी, कम्फर्ट, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस और इंडिविजुअल. इंडिविजुअल में आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, स्टीयरिंग को आपने कम्फर्ट पर रख लिया, इंजन को स्पोर्ट्स पर रख लिया, वो सारी चीज़ें यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं आप. हर मोड के साथ में उसका एक विजुअल अलग से ही शो कर देता है स्क्रीन में, ताकि आपको पता चल जाए. इसके साथ में कैमरे का बटन है, व्हीकल सेटिंग्स का है, हजार्ड लाइट्स का है, एक फिंगरप्रिंट सेंसर का भी बटन दिया हुआ है जिसे आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, और पावर वॉल्यूम की. इसके बाद आ जाते हैं ऊपर के जो ये सेंट्रल कंट्रोल्स हैं. सबसे पहले नेविगेशन की बात करेंगे इसमें. तो नेविगेशन इसके अंदर 3D आता है, जिसमें आपको बहुत अच्छा विजुअल डिस्प्ले मिल जाता है, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और इसके साथ में ना इसमें लाइव ट्रैफिक भी दिखा देता है. बिल्कुल गूगल मैप्स की तरह तो नहीं चलता ये, बट WOT3 वर्ड्स होने की वजह से इसमें लोकेशन बहुत एक्यूरेट आ जाती है. इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट फ़ोन सेटिंग्स में. फ़ोन सेटिंग्स में आप दो फ़ोन एक टाइम पे कनेक्ट कर लोगे कार के अंदर, और दोनों ही फ़ोन में आप कॉल्स ऑपरेट कर सकते हो, और म्यूज़िक आप सिर्फ एक ही फ़ोन से प्ले कर सकते हो, जिस पे भी आप म्यूज़िक की सेटिंग एक्टिवेट करोगे. तो दो फ़ोन्स कनेक्टेड रहेंगे, और एक फ़ोन से आप ब्लूटूथ के थ्रू सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो. फिर आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन, रेडियो मीडिया. अब हम आएंगे मीडिया के अंदर, तो उसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन है और USB का ऑप्शन है. यहाँ ब्लूटूथ का ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर आपको फ़ोन से सॉन्ग्स प्ले करने हैं तो उसके लिए आपको मीडिया में ही आना पड़ेगा, और अगर आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो आप पेन ड्राइव USB सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप इसकी साउंड प्रोफाइल्स भी डिफरेंट तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं. प्योर सराउंड, ईजी लिसनिंग, लाइव 3D सराउंड, यह बमर्सा का 4D सराउंड सिस्टम आता है इसके अंदर. आप बेस, मिड, ट्रेबल, लाउडनेस, ये सारी चीज़ें यहीं से एडजस्ट कर लेंगे साउंड सेटिंग्स के अंदर आके.
बैलेंस एंड फेडर भी मिलेगा इसके अंदर आपको, कि कौन सी सीट पे आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, आप वो भी यहीं से एडजस्ट कर लोगे। और क्योंकि ये 4D सराउंड सिस्टम है जिसमें 31 स्पीकर्स आते हैं 1350 वॉट के, और जो फोर्थ डायमेंशन है इसकी, जिसके लिए हम इसे 4D बोलते हैं, वो सीट के अंदर स्पीकर्स इंटीग्रेटेड हैं, जो आपको एक्साइटिंग फीचर देता है साउंड मसाज की तरह से। फिर हमें VIP सीट का भी ऑप्शन मिल जाता है, किसी एक सीट पे हम VIP म्यूज़िक कंट्रोल रख सकते हैं। इसके बाद वीडियो सेटिंग है, वीडियो सेटिंग के अंदर ऑटोमेटिक मोड भी रख सकते हो और अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो भी रख सकते हो कि वीडियो का डिस्प्ले आपको कैसा चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कम्फर्ट पे, तो कम्फर्ट पे जैसे कि हम देख सकते हैं मसाज सीट एम्बियर लाइटिंग एनर्जाइजिंग कम्फर्ट। मसाज आती है इसमें 10 तरह की, तो ये सारे ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड के अंदर मेंशन मिलेंगे। आप इसमें से जो भी चूज़ करना चाहो, वो पैटर्न मसाज का फ्रंट की दोनों सीट्स में आप इंडिविजुअली चला सकते हो। ड्राइवर की अलग है, पैसेंजर की अलग है, और इंटेंसिटी जो है आप इसकी किसी सीट पर कम रख सकते हो और किसी सीट पर ज़्यादा रख सकते हो। फिर आते हैं सीट सेटिंग पे, तो सीट सेटिंग के अंदर इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, आप अपनी हाइट के हिसाब से इसमें इनपुट डालोगे तो सीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, चाहे वो आप सेंटीमीटर में रखो या इंच में रखो, और उसके नीचे स्टार्ट पोजीशनिंग का बटन दबा दो। सीट काइनेटिक्स होते हैं, ये भी बहुत कूल फीचर है। कभी आप बहुत ड्राइविंग ज़्यादा कर रहे हो और आप काफ़ी दूर जा रहे हो, तो सीट थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, उसका चाहे बैक रेस्ट हो, सीट सरफेस हो, या इंक्लूडिंग लंबर सपोर्ट हो, वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर लोगे। इसके बाद आते हैं लंबर सपोर्ट पे, जो रियर बैक में पिल्लो की तरह यूज़ होता है, आप दोनों सीट्स का यहीं से एडजस्ट कर लोगे। शोल्डर्स किसी सीट के कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं। साइड बोल्स्टर जो टर्न लेते टाइम पे हमें यूज़ में आते हैं, कभी आप स्पोर्टी मोड में चला रहे हो तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। फिर डायनामिक मल्टी कंट्रोल सीट, इसका भी ऑप्शन आता है, जिससे कि सीट की सेटिंग काफ़ी डायनामिक हो जाती है। और हीटिंग सेटिंग्स भी आती हैं इसके अंदर, कि आपको अगर सीट में हीटर चाहिए। पोजीशन सीट ऑटोमेटिकली का भी ऑप्शन है और रीसेट का भी ऑप्शन है। फिर आते हैं एम्बिएंट लाइटिंग पे, एम्बिएंट लाइटिंग के अंदर आप जैसे देख रहे हो मल्टी कलर ऑप्शन, 10 प्रीमिक्स आते हैं इसमें। लेफ्ट साइड में कलर ब्राइटनेस इफेक्ट्स होता है, और यहाँ पे ये टोटल 10 कलर, क्योंकि अभी मैंने मल्टी कलर सेलेक्ट करा हुआ है, तो आप देख सकते हो अपर एरिया, लोअर एरिया, रियर एरिया, ये सब अलग अलग कलर्स के अंदर प्रीसेट आते हैं। इसके अलावा अगर आप मोनोक्रोम पे जाते हो तो यहाँ 64 कलर की जो एम्बिएंट लाइटिंग है, जो एक सिंगल कलर आएगा ऑल कार के अंदर, पूरी गाड़ी के अंदर आपको ये सेम कलर मिलेगा इसके अंदर मोनोक्रोम पे अगर आप रखते हो, और अगर आप मल्टी कलर पे रखते हो तो आपको डबल कलर ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सारा ऊपर भी और साइड्स में भी। अगर इसके अंदर मैं ब्राइटनेस चेंज करना चाहूँ हर सीट के ऊपर, या चारों पैसेंजर्स को कहीं अलग अलग जगह चाहिए, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट्स के अंदर जैसे ऑपरेटिंग फीडबैक, ऑपरेटिंग फीडबैक मतलब कि अगर मैं कुछ टेम्परेचर वगैरह भी चेंज करता हूँ तो उसका फीडबैक मुझे एम्बिएंट लाइटिंग से मिल जाता है, वो एक्टिवली ऑपरेट होती है। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो रेड कलर की लाइट, और टेम्परेचर कम करूँगा तो ब्लू कलर की लाइट सामने डैशबोर्ड से डोर तक जाएगी। हम यहाँ पूरा लेफ्ट और राइट साइड देख सकते हैं, और जैसे ही मैं टेम्परेचर को सेट कर दूँगा उसके बाद वापस एम्बिएंट लाइट स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा अच्छा और सूदिंग लगता है अगर आप कार के अंदर ही बैठे हो और आप एम्बिएंट लाइट चेंज कर रहे हो। बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है, अभी तक किसी गाड़ी में नहीं देखा हमने ये। इसके बाद वार्निंग असिस्टेंस है, सेकंड ऑप्शन। वार्निंग असिस्टेंस के अंदर जैसे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, मुझे ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट में नहीं दिख रही, तो उसके अंदर भी एम्बिएंट लाइट सपोर्ट करती है। ग्रीटिंग ऑप्शन के अंदर गेट गाड़ी का खोलता हूँ जब, तो उससे एम्बिएंट लाइट थोड़ा चेंज होती है, और मल्टी कलर ऑप्शन है। फिर आते हैं एनर्जाइजिंग कंफर्ट पे। इस एनर्जाइजिंग कंफर्ट के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, जैसे एम्बिएंट लाइटिंग की, वॉल्यूम की, सीट सेटिंग की, ये ड्राइवर को अलग अलग तरीके से कंफर्ट देने के लिए बनाई गई हैं। इसके अंदर आप अगर कार खुद चला रहे हो तो आप अलग अलग तरीके से एनर्जाइजिंग कंफर्ट सेट कर सकते हो, कि हेड पे क्या पोजीशन रहनी चाहिए, शोल्डर पे आपको कैसा फील चाहिए, अपर बॉडी पे कैसा फील चाहिए, लोअर बैक और पेल्विस पे। इसके बाद हम आ जाते हैं ऐप्स के अंदर, तो मर्सिडीज़ ऐप्स हैं इसके अंदर, वेदर, ब्राउज़र, ऐप्स, एनर्जाइजिंग कोच, ये चारों ऑप्शन आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड मिलेंगे। ये एनर्जाइजिंग कोच फंक्शन यूज़ करने के लिए आपके पास जो गार्मिन की वॉच आती है मर्सिडीज़ की, अगर आपने वो पहनी हुई है तो वो उससे आपका हार्ट बीट चेक करके उस हिसाब से एनर्जाइजिंग कम्फर्ट पे सेट हो जाता है। इसके अलावा एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी इसके अंदर स्टैंडर्ड आते हैं, और यहाँ से हम वेदर भी चेक कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी आ रही है तो ये बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, अगर थोड़ी स्लो है तो ये कुछ सेकंड लेता है, और आपका जो प्लेस है, जो वेदर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आ जाएंगी। आप देख सकते हो टाइम और एक पीछे एनिमेटेड डिस्प्ले है, ये भी सब इसके अंदर यहाँ हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं
इन्फो में। तो इन्फो में कार की इन्फो बताता है हमें कि व्हीकल हमारा किस मोड में चल रहा है, यहाँ हम एक्सीलेटर कितना प्रेस कर रहे हैं, ब्रेक कितना प्रेस कर रहे हैं, कार का सस्पेंशन कितना रेज्ड या कितना लोअर है, रेज और लोअर हम कर सकते हैं, और माइनस टू ये ऑटोमेटिकली जाती है स्पीड के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम यहाँ पे इंजन की भी पूरी सेटिंग देख सकते हैं कि इंजन कितना आउटपुट दे रहा है, पावर कितना आ रहा है, टॉर्क कितना आ रहा है, बूस्ट प्रेशर कितना लगा रहा है। अभी मैं कार को स्टार्ट करता हूँ एक बारी और हम थोड़ा एक्सीलेटर करके देखते हैं इसके अंदर। कार अब स्टार्ट हो चुकी है, अब थोड़ा सा मैं ब्रेक और एक्सीलेटर प्रेस करके देखूंगा। तो आप देखोगे ग्राफिकल डिस्प्ले आ रहा है जो बहुत अमेजिंग लग रहा है, अभी तक ये भी किसी गाड़ी में नहीं देखा था ऐसा डिस्प्ले हमने, और वो भी इतनी बड़ी स्क्रीन पर। इसके बाद हम यहाँ कंजम्पशन भी देख सकते हैं, एक साइड पे हमारे पास किलोमीटर पर लीटर होगा, एक साइड पे हमारे पास फ्यूल होगा, और हम इसके अंदर चार ऑप्शंस में देख सकते हैं कि पिछले 7.5 मिनट में, 30 मिनट में, 90 मिनट में या 3 घंटे के अंदर गाड़ी में क्या हमें फ्यूल एफिशिएंसी मिली है जिस हिसाब से हम कार को ड्राइव कर रहे हैं। तीनों ऑप्शन आप ऊपर से ही सिलेक्ट करोगे, चाहे व्हीकल का हो, इंजन का हो, कंजम्पशन का हो, टॉर्क देखना हो, पावर देखना हो। स्टीयरिंग अगर आप पूरा मोड़ोगे भी तो भी उसका डिग्री आगे फ्रंट व्हील्स के साथ में दिखा देगा, मैक्सिमम 37 डिग्रीज तक मुड़ता है। ये हमें आज तक किसी गाड़ी में शायद देखने को नहीं मिला था कि हम गाड़ी कितना मोड़ पा रहे हैं या हम स्टीयरिंग को कितना टर्न कर पा रहे हैं, बट यहाँ एस क्लास के अंदर आप चेक कर सकते हो कि टोटल मैक्सिमम 37 डिग्रीज तक टायर मुड़ रहे हैं। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं MBUX के मेन होम पेज के ऊपर और हम जाते हैं मेन सेटिंग्स जो कि कार की सेटिंग्स हैं, व्हीकल सेटिंग्स। इसके अंदर ऊपर ऑप्शंस हैं असिस्टेंस, व्हीकल, लाइट्स, सिस्टम, इन्फो। सबसे पहले आ जाएंगे असिस्टेंस में, तो असिस्टेंस में हमारे पास ऑप्शन है सबसे पहले ड्राइविंग का। मर्सिडीज़ में अच्छी चीज़ ये है कि ऊपर हमें विजुअल डिस्प्ले मिल जाता है हम जो जो सेटिंग चेंज करेंगे। अब अगर हम एक्टिव डिस्टेंस असिस्ट चेक करते हैं तो इसके अंदर आगे कार चल रही है, हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेगी अगर वो गाड़ी बहुत ज़्यादा पास आ गई और सेंसर्स ने सेंस कर लिया तो। इसके अंदर भी हमारे पास मोड्स हैं कि वो जल्दी सेंस करे या लेट सेंस करे। एक्टिव स्टीयरिंग असिस्ट है जिससे कि स्टीयरिंग भी एक लेन के अंदर रहेगा, लेफ्ट या राइट गाड़ी को नहीं जाने देगा एक्स्ट्रा। इसके बाद अवॉइड कॉन्टैक्ट के अंदर ब्रेक असिस्ट, लेन कीप असिस्ट और ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट। तो ब्रेक असिस्ट में गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा लेती है, लेन कीपिंग असिस्ट के अंदर वो एक लेन के अंदर ही पकड़ के चलती है, और ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट होता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो हमारी गाड़ी उस टाइम ओवरटेक करने में थोड़ा रोक लगाती है जिससे कि पीछे वाली गाड़ी से इंपैक्ट ना हो जाए। इसके बाद असिस्टेंस में आते हैं तो अटेंशन असिस्ट, गाड़ी चलाते चलाते कभी अगर हमें नींद आनी शुरू हो गई तो उसके लिए भी कार हमें काफ़ी सपोर्ट करती है, सामने कॉफ़ी मग आ जाता है और स्टीयरिंग पे वाइब्रेशन आ जाता है, मैप खुल जाते हैं। इसकी भी दो सेटिंग होती है, सेंसिटिव और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होती है बिटवीन 80 to 180 और सेंसिटिव होती है बिटवीन 60 to 200 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये दो तरीके की सेटिंग होती है और आप इसको ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको ये फंक्शन नहीं चाहिए। कैमरे के अंदर अगर हम कैमरे का कवर ओपन करना चाहें या फिर अगर हम इसे अलग से एक्टिवेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। पार्किंग के अंदर एक्टिव पार्क असिस्ट जो ऑटोमेटिक पार्किंग के काम में आता है, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो। इसके अंदर वार्निंग टोन्स या इसकी ऑडियो के लेवल वगैरह अगर आपको कम ज़्यादा करने हैं आप वो भी इसके अंदर कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं व्हीकल सेटिंग्स में। सबसे पहले है डायनामिक सेलेक्ट जिसके अंदर हम इंडिविजुअल की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल मोड में हमें इंजन, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ों की क्या क्या सेटिंग्स चाहिए। जैसे ड्राइव है, सस्पेंशन है, स्टीयरिंग है, ESP है। ड्राइव आपने कंफर्ट पे रख लिया, सस्पेंशन को आपने स्पोर्ट्स पर रख लिया, स्टीयरिंग को आपने स्पोर्ट्स या कंफर्ट पर रख लिया और ESP भी चेंज कर लिया। इंडिविजुअल को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से कि जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम आ जाते हैं विंटर ऑपरेशन पे। तो विंटर ऑपरेशन इंडिया के अंदर यूज़फुल नहीं है, इंडिया से बाहर अगर हमें चेन लगाते हैं हम टायर पे तो वहाँ पे हम टायर की लिमिट सेट कर लेते हैं कि कार उस स्पीड से ऊपर नहीं जा सकती। इसके अंदर ऑफ़ के अलावा 160 to 240 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इसके बाद इजी एंट्री एंड एग्जिट, गाड़ी का जब भी गेट खोलता हूँ सीट पीछे चली जाती है, स्टीयरिंग ऊपर चला जाता है ताकि मैं आराम से बैठ जाऊँ गाड़ी के अंदर, और ये उतरते टाइम पे भी रहता है। इसके अंदर सिर्फ स्टीयरिंग चाहिए या सीट चाहिए आप वो भी एडजस्ट कर सकते हो। फिर व्हीकल का लेवल भी आप चेक कर सकते हो कि ये रेज्ड है या लोअर है। इसके बाद लॉकिंग फंक्शन, लॉकिंग फंक्शन के अंदर जब भी मैं गाड़ी लॉक करता हूँ एक अकॉस्टिक साउंड आता है, मतलब हॉर्न बजता है, गाड़ी चलते टाइम पर ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है, और जब मैं गाड़ी लॉक करता हूँ तो मिरर फोल्ड हो जाते हैं, या फिर अगर मुझे बूट लॉक करनी हो, कहीं वैले में गाड़ी देनी हो तो वो भी मैं यहाँ से ब्लॉक कर सकता हूँ। ये चारों लॉकिंग के फंक्शन यहीं से एडजस्ट होंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में। इंडस्ट्री में पहली बार रियर सीट में भी एयरबैग आए हैं जो कि एस क्लास में मिले हैं। सीट बेल्ट की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक होती है, आपको इसको ऑन और ऑफ़ करना है वो भी कर सकते हो, और पीछे का कोई सा एयरबैग ऑफ करना है तो आप वो भी ऑफ़ कर सकते हो यहीं से।
रोलर ब्लाइंड्स गाड़ी के अंदर आते हैं, पीछे के डोर्स में, ऊपर सनरूफ में, या फिर सबसे लास्ट रियर वाले ग्लास में। आप उन सभी को यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हो। कोई सा भी एक इंडिविजुअल अगर आपको रोलर ओपन करना हो या क्लोज़ करना हो, हर एक रोलर का यहाँ फंक्शन बटन दिया हुआ है जिसको आप ओपन और क्लोज़ यहीं से कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं अदर फंक्शन में आता हूँ तो यहाँ पे आपको जैसे एक बूट की हाइट सेट करनी है, लिमिट लगानी है उसकी, आप वो भी यहाँ से लगा सकते हो। और गाड़ी रिजर्व में आते ही ऑटोमेटिकली फ्यूल पम्प सर्च कर लेगी, वो भी नेविगेशन के अंदर आपको शो हो जाएगा, उसका भी फंक्शन यहाँ है। फिर आते हैं लाइट सेटिंग्स में, जहाँ सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलता है डिजिटल लाइट का। डिजिटल लाइट सबसे ज़्यादा एडवांस लाइटिंग सिस्टम है जिसमें हम इसकी बीम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कोई अगर आगे आ जाता है तो उस पर हम स्पॉट लाइट का भी फंक्शन ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। 650 मीटर्स की रेंज है, ये मल्टी बीम से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको मर्सिडीज़ ने अब डिजिटल लाइट का पेटेंट दिया है। इसके बाद इंटीरियर और एक्सटीरियर लाइटिंग पर आते हैं। लोकेटर लाइटिंग का मतलब है, जब भी मैं गाड़ी को कहीं दूर से अनलॉक करता हूं तो गाड़ी की लाइट्स ऑन हो जाती हैं जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मेरी गाड़ी कहां खड़ी है। इंटीरियर लाइटिंग डिलेट स्विच ऑफ के अंदर आते हैं, तो गाड़ी के अंदर बैठने के बाद इंटीरियर लाइट थोड़ी देर तक ऑन रहती है। एक्सटीरियर लाइटिंग डिस्प्ले मतलब जब हम गाड़ी में से उतर के जाते हैं, हम गाड़ी को लॉक करते हैं तो हेडलाइट्स थोड़ी देर तक ऑन रहती हैं, हम इसकी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एम्बिएंट लाइटिंग पे। अगर उसकी सेटिंग यहाँ से चेंज करनी हो तो आप यहाँ से एडिट सेटिंग में जाओगे तो ये आपको एम्बिएंट लाइट वाले ऑप्शन में चला जाएगा जो कि कम्फर्ट वाले मोड में था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके सिस्टम में। सिस्टम में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें वॉइस असिस्टेंट का, जो कि हे मर्सिडीज़ वाला फंक्शन है। हे मर्सिडीज़ बोलने से कार रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। वॉइस मार्जिन कितना चाहिए या हमारी रिकॉग्निशन जो चाहिए वो भी इसमें आ जाती है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस कितनी चाहिए, पीछे का टैबलेट लॉक करना है अनलॉक करना है, इसके अंदर यूनिट्स हमें किलोमीटर्स में चाहिए, माइल्स में चाहिए, या एडिशनल स्पीडोमीटर की डिस्प्ले चाहिए, वो भी इसमें आ जाएगी। कंट्रोल एलिमेंट्स के अंदर अकोस्टिक फीडबैक का साउंड कैसा चाहिए, मतलब सेंसिटिविटी कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, आप वो सब यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद कीबोर्ड हैंडराइटिंग में आ जाते हैं, तो हैंडराइटिंग भी आपकी रिकॉग्निशन वो भी यहाँ से सेट हो जाएगी। लैंग्वेज कौन सी चाहिए सिस्टम के अंदर, इंग्लिश, फ्रेंच, वो जितनी भी हैं वो सब यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। ऑडियो लेवल कितना चाहिए कौन कौन से फंक्शंस के अंदर, जैसे पार्किंग सेंसर्स के अंदर कितना चाहिए, नेविगेशन में कितना चाहिए, फ़ोन का ऑडियो कितना चाहिए, तो आप उसकी भी सेटिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर यहाँ एंटरटेनमेंट के अंदर भी जाते हो तो जो म्यूज़िक का आउटपुट था बोमोस F40 वाला, ये वापस डायरेक्ट आपको उसी सेटिंग में ले जाएगा। इसके बाद नीचे है इंटरनेट एंड ब्लूटूथ। इसके अंदर कनेक्ट टू इंटरनेट, क्योंकि इंटरनल सिम कार्ड आती है, आप इंटरनेट भी कनेक्ट कर सकते हो। आप कार को अपने फ़ोन के थ्रू, हॉटस्पॉट के थ्रू भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर डेटा प्रोटेक्शन है, टाइम एंड डेट है, सॉफ्टवेयर अपडेट है, रीसेट का ऑप्शन है, ये सारे फंक्शंस इसके अंदर हमें सिस्टम में मिलते हैं। फिर इन्फो ओनर्स मैनुअल का भी चेक करनी है, कार के अंदर ही आपको ओनर्स मैनुअल मिल जाएगी। And thanks for watching the video.